नपरदीर से 4.5 घंटे का सफर तय करके मैं अभी पहुंच गया हूँ बुमराह ट्रेली, और ये आप लोग देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे क्या है। वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और दुआ भी यही है कि जहाँ कहीं से भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे आबाद रखे। मोज़ज़ नाज़रीन, आज मैं जीप में था, कल सुबह उठा हूँ तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं निकला हूँ। आज का मेरा सफ़र जो है जीप से कुमरा टेली की तरफ है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि दुआओं में याद रखें, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट तजुर्बा है, पहली दफ़ा कुमरा टेली की तरफ जा रहा हूँ, और आप लोगों को कुमरा टेली में खूबसूरत खाने की कोशिश में जा रहा हूँ। तो अपनी दुआओं में याद रखें, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और लाइक और शेयर जरूर करें। माशाल्लाह, ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये बहते दरिया के पास से ये रोड और ये सीधा कुमराट वैली की तरफ जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। आज यहाँ पे मौसम भी जो है काफ़ी अच्छा मौसम है, गर्मी इतनी नहीं है, तो यहाँ पे आके पेशावर की गर्मी और पंजाब के जो गर्म इलाके हैं वहाँ की गर्मी आ जाती है, और वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको भी मैं दावत देता हूँ कि केपीके के इन इलाकों में ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर इंतहाई मेहमान नवाज लोग हैं, खुश अखलाक लोग हैं।
गुजरात के लिए जाते हुए इस वक्त मैं सही देख रहा था यहाँ पर मौजूद हूँ, और ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा व्यू है। और यहाँ आसानी से आ सकते हैं, यहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, यहाँ और कोई ऐसे मसाइल नहीं है। सयाहों को लोग बेहतरीन यहाँ पे बने हुए हैं, पुरअमन माहौल है, और यहाँ के जितने भी लोग उन्होंने देखा है ये कुमराट साइड के श्रीनगर और जितने भी इलाके हैं यहाँ पे बसने वाले लोग इंतहाई मेहमान लोग हैं, शुद्धाम लोग हैं, पठान भाई जितने भी हैं, तो यहाँ पे आए सयाहों को वो वेलकम करते हैं। और यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो इंतहाई सेफ है, और ये जावेद अजी सिंह हाल खैर दे तबियत हाँ तबियत सट दे दा जगह सुन नाम से दी जावेद शहीद शाबाश शाबाश नो खैर दे तबियत शबियत खैर मेहरबानी है दा मौसमान दे दिल ता ढेर मेहमान नवाज दे खुश अखलाक कसान दे ये देखें माशाल्लाह आबशार के पानी में फ्रूट ठंडा करके फ्रेश करके खाने का मज़ा ही कुछ और है। मैं आड़ू खा रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, मोज़ज़ नाज़रीन मैं खैर खैरियत से श्रीनगढ़ पहुंच गया हूं, और ये आप लोग देख सकते हैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है, कुदरत का कमाल देखें, अल्लाह पाक की कायनात कितनी खूबसूरत है। خورش کرد کندوری که نظرین کار که من هیال لور کمرات و بیرموخ مگر که بیرموخ نو اسپا چطر و بیرموخ همیتن ساری بجم ای لور همیتن سر خمتنگن هیانگی سونی اور همو که کان شیر کان دی اسپا بیرموخ ساری لکه کافی کمزور اسپا بیرموخان ساری اسپا تیلوت تر کان بونین همیت بود سر नाज़रीन मैं खैर खैरियत से कुमराट वैली पहुंच गया हूं, यहां पे मौसम बहुत प्यारा है, ये आप लोग देख सकते हैं बारिश शुरू हो गई है, तो मैं अपने आप को बारिश के पानी से बचाने के लिए एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत मस्जिद यहां पे बना हुआ है इसके अंदर आ गया हूं। और यहां पे अभी बाइक भी मैंने अपना
साइड कर दिया है और ख़ुद मैं यहाँ अंदर आके यहाँ पे जो है बारिश के पानी से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ इंशाल्लाह नमाज पढ़ के यहाँ से फिर अपने सफ़र को मैं दोबारा जारी रखूँगा। ये पुल क्रॉस करके आप लोग अगर खाना खाना चाहें तो यहाँ पे एक बेहतरीन होटल बना हुआ है दरिया के ऊपर, ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा व्यू है। और इस होटल में जो लोबिया इन्होंने बनाया हुआ है माशाल्लाह बहुत जायकेदार है, और लोबिया मुझे वैसे भी पसंद है इसलिए मैं यहाँ से लोबिया खाता हूँ। और मोहसिन नाज़रीन अपर दीर से 4.5 घंटे का सफ़र तय करके मैं अभी पहुंच गया हूँ कुमरा ट्रेली, और ये आप लोग देख सकते हैं मेरे बेक साइड पे इंतहाई खूबसूरत तरीन इलाके है। और यहाँ पे आने के लिए अपर दीर से आप लोगों को 4.5-5 घंटे का सफ़र तय करना होता है। तो मोहसिन नाज़रीन मेरे यहाँ पे आने का मकसद ये था कि मैं दुनिया के सयाहों को बता सकूँ कि KPK के जितने भी इलाके हैं इंतहाई पुरामन इलाके हैं, यहाँ बसने वाले जो लोग हैं मख्तून हमारे भाई इंतहाई मेहमान नवाज लोग यहाँ पे आए हैं, सयाहों को किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ फैमिलीज के साथ यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते हैं। तो अपर दीर से जो रास्ते हैं वो बेहतरीन है, लेकिन थोड़ा सा वो जगह जो है वहाँ कच्चे रास्ते से आप लोगों को सफ़र करना पड़ता है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, हमारे ऑफिशियल पेज को फॉलो करें और साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो KPK के जितने भी इलाके हैं, चाहे भीड़ है, मलकन है, चित्राल है और ये कुमरा ट्रेली है, ये जन्नत नज़ीर वादियाँ हैं, यहाँ पे आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला नहीं है रहने के लिए। यहाँ पे गेस्ट हाउसेज हैं, होटल हैं खाने पीने के लिए, और ख़ुद भी यहाँ कैंपिंग वगैरह आप लोग आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई दहशतगर्दी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इंतहाई ये पुरअमन इलाके हैं। तो एक दफ़ा कुमरा ट्रेली को ज़रूर विज़िट करें।